हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू श्वेताज इजी कुकिंग चैनल। गर्मियों का मौसम चल रहा है और जनरली बच्चों को दूध से दिक्कत हो जाती है। आज हम होममेड ठंडाई पाउडर बनाएंगे। इसको आप ठंडे दूध में अपने बच्चों को मिला के दीजिए और उनकी दूध की डाइट भी कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं इसे इंग्रेडिएंट्स। ये 30 ग्राम खरबूजे के बीज हैं, 30 ग्राम पिस्ता है, 5 ग्राम काली मिर्च है, ये 15 इलायची हैं जो मैंने छील ली हैं, ये 30 ग्राम सौंफ है, 60 ग्राम बादाम और 350 ग्राम चीनी है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, केवल सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ग्राइंड कर लेना है और फिर उसके बाद छान के अपने एक एयर टाइट डब्बे में रख लेना है। ये हमने बादाम डाल दिए, पिस्ता, सौंफ, खरबूजे के बीज, इलायची, काली मिर्च। इसमें मैंने काली मिर्च बहुत कम रखी है बिकॉज मेरे बच्चों को काली मिर्च का फ्लेवर नहीं पसंद है। जब अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो काली मिर्च पूरी 5 ग्राम डाल दीजिए। ये ठंडाई पाउडर हमारा देखिए बिल्कुल महीन पिस चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। ये हमने चीनी और अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसको छान लेंगे। ये ठंडाई पाउडर हमने छान लिया है। अब इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। ये करीबन आपका 1-1.5 महीना चल जाएगा। अब रोज सुबह ठंडे ठंडे दूध में ठंडाई पाउडर मिलाइए और बच्चों को दीजिए और खुद भी पीजिए। फ्रेंड्स इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक, अगर जल्दी हो तो 2 से 3 चम्मच ठंडाई पाउडर लेके थोड़े से दूध में डालिएगा और उसको उबाल लीजिएगा, फिर 1 गिलास ठंडे दूध में मिला लीजिए और सर्व करिए। दूसरा तरीका ये है कि 2 से 3 चम्मच ठंडाई पाउडर 1 गिलास दूध में डाल दीजिए और फिर 20 मिनट तक इसको सोक करने दीजिए, फिर उसके बाद सर्व करिए। बच्चों को सर्व करने से पहले यह ठंडाई एक बार छान ज़रूर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसको बनाइएगा ज़रूर और अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।